सयो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शुभम आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको कबूतर उड़ाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या चीज़ नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाइस कई बार कुछ लोग जो है गलती कर देते हैं कबूतर उड़ाने में और उसी के वजह से उनका कबूतर जो है निकल जाता है और फिर बोलते हैं कि भाई हम लोग कबूतर खरीद के लाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रीड के कबूतर होते हैं लेकिन हमारे कबूतर तो भाग जाते हैं। तो भाई इसमें कबूतर की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। ठीक है, क्योंकि गाइस आपको पता ही नहीं है कि भाई कबूतर कैसे उड़ाना है, कबूतर को उड़ाने से पहले क्या करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो भाई कबूतर तो भाग जाएगा। उसमें कबूतर की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। सो गाइस इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊँगा कि आपको कबूतर उड़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप ये सब गलती मत करना, जिससे कि आपके कबूतर भी बिल्कुल आपके छत पे एकदम पक्के तरीके से सेट हो जाएंगे। सो गाइस बिना कोई देरी किए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो आप लोग डिसाइड करो कि भाई आपको कितने कबूतर उड़ाने हैं और आपके पास जितने भी कबूतर है, जैसे मान लो आपके पास टोटल 10 कबूतर है, तो 10 में से आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको उसमें से कितने कबूतर उड़ाना है। ऐसा नहीं कि 10 कबूतर है तो 10 के 10 उड़ाना है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जैसे आपके पास 10 कबूतर है तो भाई 5 कबूतर उड़ाओ, 6 कबूतर उड़ाओ, लेकिन कुछ कबूतर अपने लॉफ्ट के अंदर रहने दो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको कौन से कबूतर को उड़ाने हैं, तो उन कबूतरों को पहले अपने लॉफ्ट में से, पेटी में से, जो भी कुछ आप जिसमें आप कबूतर को रखते हो उसमें से आप अपने कबूतर को निकालो और अपने छत के ऊपर उनको छोड़ दो। ठीक है, मतलब गाइस आप सिंपल सी बात है कि आप उन्हीं कबूतर को उड़ाओगे जो कबूतर आपके पास टिका हुआ रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप नए कबूतर खरीद के लाए और उसका पर जो है खोला और उड़ा दिया, ऐसा तो आप नहीं करोगे। जो कबूतर आपके पास टिके हुए हैं, मतलब जा नहीं रहे हैं पर खुले में हैं लेकिन आपने अभी तक उसको उड़ाया नहीं है, जैसे आपके घर के पट्ठे निकलते हैं, उन सबको कैसे ट्रेन करना है मैं आपको ये आज की वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आप लोग ने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये कबूतर है, मुझे ये कबूतर उड़ाना है, तो सबसे पहले आप लॉफ्ट के अंदर में से वो कबूतर को निकाल लो बाहर। ठीक है, और गाइस छत के ऊपर जो है आप पानी रख दो, जिससे कि कबूतर को प्यास लगी हो तो पानी उन्हें पी ले, और कबूतर को आप छत पे छोड़ दो। जितने भी कबूतर आपको उड़ाने के लिए तैयार करना है उतने कबूतर को। ठीक है, और गाइस उतने कबूतर को आपके छत पे, अगर मान लो आपका छत नीचे है तो आप अपने छत पे एक छतरी लगा सकते हो, उसके ऊपर कबूतर को बैठने का आदत लगा सकते हो। अगर मान लो आपके छत पे छतरी नहीं है, आपका छत मतलब ठीक ठाक है ना, जो अड्डा उड्डा बनाया है जिसके ऊपर कबूतर जाके बैठते हैं, तो उस पर बैठाओ। अगर आपके पास जैसे मेरा छत गई, जैसे देखो मेरा छत ऊँचा है, ना ही मैंने कोई अड्डा लगाया है ना ही कोई छतरी बनाया है। ठीक है, मेरे कबूतरों को बैठने का अड्डा जो है ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो यही है। ठीक है, यहीं पे जो है मेरे कबूतर आराम से बैठते हैं, घुटकते हैं, मस्ती मारते हैं, तो एक तरीके से यही मेरे कबूतरों को बैठने का अड्डा है। तो अगर आपका भी छत ऐसा है या फिर आपने छतरी या फिर कुछ अड्डा उड्डा नहीं बनाए हैं तो आप भी अपने कबूतर को इसके ऊपर बैठा सकते हो। ठीक है, और गाइस कबूतर को मतलब ऐसे छोड़ दो, कम से कम सुबह 2 से 3 घंटा सुबह के टाइम आप कबूतर को ऐसे ही डेली 1 हफ्ते तक आपको बैठाना है। ठीक है, जब गाइस आप 1 हफ्ता कबूतर को ऐसे निकाल के बैठाओगे तो कबूतर को आदत हो जाएगा कि भाई अब मुझे जो है यहाँ पे बैठना है। अगर उसके बाद जब गाइस आप उसे उड़ाना स्टार्ट करोगे तो भाई कबूतर जब वापसी करेंगे ना, कुछ लोगों के कबूतर को आदत ही नहीं होता कि भाई हमें बैठना कहाँ है, तो जब वो लोग उड़ाने को तो उड़ा देते हैं, भाई उसके पास पंख है वो तो उड़ जाएगा, लेकिन जब वो लैंडिंग करता है, जब बैठने आता है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा डरता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे बैठना कहाँ है, और कबूतर बैठते बैठते कई बार जो है निकल जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है उड़ाने से 1 हफ्ता पहले कबूतर को बैठक देना है। ठीक है, आपके भले ही पुराने कबूतर हो, आपके घर के पट्ठे हो, उसके बावजूद भी, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि जो हमारे पुराने कबूतर होते हैं हम लोग काफ़ी टाइम से नहीं उड़ाए होते, या फिर जो हम लोग के घर के पट्ठे होते हैं वो अभी नहीं उड़े रहते और हम लोग डायरेक्ट मतलब उड़ाना स्टार्ट करते हैं, उनको उड़ाने लग जाते हैं, तो भाई वो कबूतर भी थोड़ा बैठने में घबराता है, उसको नहीं पता चलता मुझे बैठना कहाँ है और वो जो है निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें कबूतर की कोई गलती नहीं है, उसमें हमारी गलती होती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ का खास करके ध्यान रखना है कि कबूतर को उड़ाने से पहले आपके छत पर उसको बैठक देना है 1 हफ्ता सुबह के टाइम पे, 2 से 3 घंटे आपके पास जितना समय है, 3 घंटा है तो 3 घंटा दे दो और 2 घंटा है तो 2 घंटा। ठीक है, मतलब 2 से 3 घंटे तक आप जो है कबूतर को छत के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ उन्हीं कबूतर को छोड़ना जिनको आपको उड़ाना है, जिससे कि वो कबूतर एक दूसरे को पहचाने कि हाँ भाई हम लोग एक साथ यहाँ बैठ रहे हैं, हमें एक साथ उड़ना है, ये सब चीज़ भी वो लोग पहचाने। ठीक है, और गाइस जब आप मान लो 2 से 3 घंटा आपने उसको बैठक दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो कबूतर आपके लॉफ्ट के अंदर है या जो पेटी के अंदर है उन्हें भी अगर आप बाहर निकालना चाहो तो निकाल के दाना पानी अगर आपको बाहर देना है तो बाहर दे दो, या फिर इन कबूतर को अंदर करके दाना पानी दे दो।
ठीक है, मतलब कबूतर को इतना समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अब हम लोग 2-3 घंटा बाहर रहेंगे, उसके बाद लॉफ्ट के अंदर जाना है और अब हमें दाना मिलेगा। आपको ये चीज़ 1 हफ्ते के अंदर कबूतर को समझा देना है, ठीक है। अब गाइस बात आती है 1 हफ्ता होने के बाद, अब आपको क्या करना है, अब गाइस मेन चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। जब कबूतर आप निकालते हो तो अभी भी ऐसा नहीं कि कबूतर, कई लोग क्या करते हैं लॉफ्ट से बाहर निकाला भाई फेंकना स्टार्ट कर दिया, या फिर जैसे ही सब कबूतर बाहर निकले डंडी लगा दिया, कपड़े से डरा के उड़ा दिया, यह भी गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। आपको क्या करना है, जो कबूतर को उड़ाना है उस कबूतर को सबसे पहले आप बाहर निकालो और कबूतर को कम से कम 15 मिनट जो है अपने छत पर रिलैक्स होकर बैठने दो, ठीक है। और गाइस छत पर पानी, मतलब कबूतर निकालने से पहले काम आपको करना है कि छत पे पानी रख देना है, दाना नहीं देना है, छत पे पानी रख देना है, उसके बाद कबूतर निकालना है, जिस कबूतर को प्यास लगी होगी वो पानी पिएगा और 15 मिनट तक एकदम आराम से बैठने देना है, ठीक है, जिससे कि कबूतर बिल्कुल डरे ना, एकदम रिलैक्स हो जाए और अपना इलाका देख ले कि हाँ भाई ये मेरा इलाका है, ठीक है। और गाइस 15 मिनट के बाद जब आप उन्हें उड़ाओगे तो कबूतर भाई पूरे जोर शोर से उड़ेगा और एक साथ उड़ेगा। कई बार लोग गलती करते हैं कि लॉफ्ट से निकालते ही फेंक देते हैं या फिर उड़ाना स्टार्ट करते हैं तो उनके कबूतर गाइस जो है इधर उधर जो है जाके बैठने लगते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता, वो लोग डर के मारे उड़ तो जाते हैं लेकिन वापस अपने छत पे नहीं बैठते, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। वो लोग कहीं और जाके बैठते हैं, फिर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारे कबूतर हमारे छत पे नहीं आते, दूसरे बिल्डिंग पे जाके बैठते हैं, पत्रे पे जाके बैठते हैं। भाई वो आपकी गलती है, कबूतर की गलती नहीं है। आप जैसे अपने कबूतर को ट्रेन करोगे वैसे आपके कबूतर रहेंगे, ठीक है। गाइस मेरे जितने भी कबूतर है जो नए हैं पुराने हैं जो पट्टे, एक भी कबूतर भाई मेरे छत को छोड़ के और कहीं भी नहीं बैठता, ठीक है। इतने टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि मेरा कोई भी कबूतर इधर उधर जाके बैठ जाए, ठीक है। सो गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि भाई कबूतर को 15 मिनट के बाद जो है मुझे उड़ाना है। अब गाइस और एक चीज़ बहुत ही खास करके आपको ध्यान रखनी होगी कि उड़ाने के लिए आप वही कबूतर निकालो जो कबूतर में कोई कमी ना हो। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि भाई उनको क्या स्टार्टिंग करते हैं कबूतरबाजी का, तो वो लोग जो है देखते नहीं है कि भाई कैसा कबूतर उड़ाना है, उन्हें बस उड़ाने से मतलब होता है कबूतर सुस्त रहे बीमार रहे, कोई मतलब नहीं, कबूतर निकाला उड़ा दिया। तो उस केस में गाइस क्या होगा, जो चील बैरी होगा या फिर कोई भी शिकारी पक्षी उसको एकदम इजीली पकड़ लेगा, या फिर वो कबूतर उड़ते उड़ते ही उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, वो कहीं भी गिर जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी, जो कबूतर बिल्कुल फिट फाट है उसी कबूतर को आपको देख के। और गाइस हमेशा आप एक बात का ध्यान रखो कि स्टार्टिंग से ही आप डिसाइड कर लो कि आपको कबूतर क्या चीज़ से उड़ाना है। जैसे मान लो आपका छत नीचे है, आपके छत आपके कबूतरों को आदत है कि आपके बगल में कोई ऊँची बिल्डिंग है वहाँ जाके बैठ के बैठे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको बैठने की आदत लगी हुई है। तो आप क्या चीज़ से उड़ाते हो पहले डिसाइड कर लो, ऐसा नहीं कि किसी दिन भाई डंडे से डरा के उड़ा दिया, किसी दिन कपड़ा दिखा के उड़ाया, ऐसा नहीं करना है। आप पहले ही स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो कि आपको कैसे उड़ाना है। जैसे कि गाइस मेरे कबूतर हैं, मेरे को ना डंडा दिखाने की ज़रूरत पड़ता है और ना ही कपड़ा दिखाने का, बस डायरेक्ट जाऊँगा और थोड़ा सा खाली ऐसे सीटी मार दूंगा चाहे कुछ भी, कबूतर को समझ आ जाएगा कि भाई अब हमें उड़ना है, वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे डिसाइड कर लो, आपको जो चीज़ से अच्छा लगे आप उस तरीके से आप अपने कबूतर को उड़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि गाइस आपके पास टोटल 10 कबूतर हैं और उनमें से आपने 5 कबूतर उड़ने के लिए निकाला हुआ है, ठीक है, आपने 5ों को उड़ा दिया, कबूतर 5-10 मिनट उड़ लिए, जो आपके कबूतर लॉफ्ट में उनको सबसे पहले बाहर निकालो, जिससे कि कबूतर भाई आपके नए हैं, आपने अभी उड़ाना स्टार्ट किया है तो कबूतर क्या है इधर उधर नहीं हटेगा, 5-10 मिनट उड़ लिया रहेगा वो कबूतर और देख लेगा कि हाँ भाई मेरे छत पे कबूतर है। तो गाइस उसको बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्ट जब उसको बैठना होगा तो अपने छत पे कबूतर देख के बैठ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है कुछ 10 दिन, 10 दिन के बाद जब गाइस कबूतर को आदत लग जाएगी, उसे समझ आ जाएगा कि हाँ भाई यही मेरा छत है, उसके बाद जो है कबूतर आप उड़ाओ, लेकिन कोई भी कबूतर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे कबूतर भाग जाएंगे ये हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अपने जो कबूतर आपके पास हैं उनको बंद रहने दो और जो कबूतर उड़ रहे हैं जब तक उन्हें उड़ना है उड़ने दो। गाइस देखो जब हम लोग कबूतर को ट्रेन करते हैं उड़ाते हैं तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हमारे कोई भी कबूतर जो है नहीं निकलते हैं, कभी कभी भाई एक आध कबूतर निकल जाते हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो भले आपने 5 उड़ाएं जिसमें से आपके पास 4 ही बचें, लेकिन भाई वो 4 बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन हो जाएंगे, वो कहीं और जाएंगे किसी और कबूतर का फड़क पाएंगे तो भी नहीं बैठेंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस कई बार मैं देखता हूँ भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने कबूतर उड़ाते हैं और कबूतर जब बैठाना होता है तो भाई कबूतर से फड़क देते हैं, अपने कबूतर को छेड़ लगाते हैं और कबूतर का फड़क देख के कबूतर रिटर्न आ जाता है। और जब गाइस उनके कबूतर कभी दूर निकल जाएं हवा की वजह से, चाहे उड़ते उड़ते दूर निकल जाएं, किसी और के छत पे भी कबूतर फड़कते हुए देख लेते हैं, डायरेक्ट झुक जाते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हमें अपने कबूतर को आदत ऐसी नहीं लगाना कि हमें हमारे जो कबूतर हैं वो कबूतर देख के रिटर्न आए। हमारे कबूतर को पूरा पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा छत है, ये मेरा लॉफ्ट है, मुझे यहीं पर बैठना है चाहे जो हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 10 दिन के बाद आपको कबूतर नहीं निकालने। जो कबूतर आपके उड़ रहे हैं जब तक उड़ रहे हैं उनको उड़ने दो, लेकिन छत पर भी भाई आप भी मत रहो। कोशिश करो क्या पूरा छत खाली रहने दो, जिससे कि कबूतर जब बैठने के लिए आए तो किसी से भी ना डरे। नहीं तो स्टार्टिंग में शायद आपको देखे तो डरे कबूतर। इसीलिए आपको आदत लगा देना है कि छत एकदम खाली रहे, कबूतर अपना आए आराम से बैठ जाए। जब भाई इस कबूतर को आदत हो जाएगी ना, तो अगर आप भी छत पे रहोगे तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई उसको आदत हो चुकी है इसी छत पे बैठने की। भले कबूतर दिखे या ना दिखे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कोई डर नहीं है। तो कुछ इस टाइप से आपको जो है कबूतर को उड़ाना है। और गाइस कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि कबूतर तो भाई चलो ठीक है ढंग से उड़ा दिया, लेकिन जब कबूतर बैठने आता है तो उन लोगों को भाई संतुष्टि नहीं मिलती। उन लोगों को मतलब क्या पता क्या खुजली ऐसी रहती है कि भाई उनके कबूतर चाहे जितना भी उड़ ले उनको ऐसा लगता है कि भाई कबूतर कम उड़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्टिंग करते हो कबूतर उड़ाने का, उसका बाजू पूरा बंद है, अभी कबूतर को उड़ने की आदत नहीं है, तो भाई वो ऐसा नहीं कि टाइमिंग मारेगा कबूतर कम उड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना भाई कबूतर बेकार है इसको और परेशान करके उड़ाओ, ये चीज़ नहीं करना भाई। इससे कबूतर आपका वीक हो जाएगा, कहीं इधर उधर जाके गिर जाएगा। जब गाइस कबूतर आपका बैठने आए तो उसको शांति से बैठने दो, और पानी बिल्कुल भी छत से हटा दो। जब कबूतर 10 मिनट छत पे बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए, उससे एकदम 100% ऐसा हो जाए कि हाँ भाई मैं सही जगह बैठा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद गाइस आप जो है उसको पानी दो। क्योंकि भाई कबूतर कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा उड़ के थक जाता है, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग पानी दे देते हो तो उससे कबूतरों को दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको नहीं करना, जब कबूतर एकदम रिलैक्स हो जाए तब उसको जो है पानी देना है, ठीक है। और गाइस पानी देने के बाद जब कबूतर आपका उड़ के आ जाए, रिलैक्स हो जाए, पानी पी ले, तो अगर आपने सुबह में उड़ाया है सब कबूतर को बाहर निकालना चाहो तो बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको अंदर ही करना है तो वह भी सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई जब कबूतर आपका उड़ के आए 15 मिनट रिलैक्स कर लिया, उसके बाद जो है डायरेक्ट आप कबूतर को लॉफ्ट के अंदर करने की कोशिश करो और धीमे धीमे अंदर कर दो, जिससे कि कबूतर को आदत हो जाएगा कि भाई अब मुझे इस टाइम पे उड़ना है या इतना टाइम छत पे बैठना है, अब लॉफ्ट के अंदर जाना है। स्टार्टिंग में गाइस हो सकता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत आए, लेकिन आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके कबूतर बिल्कुल सेट हो जाएंगे। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आप लोग को जितनी भी बातें बताई कि भाई आप लोग को ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, अगर आप वो चीज़ का ध्यान रखते हो और वैसा ही करते हो तो भाई आपके कबूतर भी बिल्कुल अच्छे तरीके से उड़ेंगे और सिर्फ आपके ही छत पे बैठेंगे और भागने का चांस बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपका कबूतर कहीं दूर निकल गया तो किसी और का कबूतर देख के बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। आपका कबूतर आपके छत पे एकदम अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है यार, जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दो। चैनल पर नया अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करके जरूर बताओ कैसा लगा वीडियो, कोई और दिक्कत आए वो भी कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस मिलते हैं फिर से और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।